सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है वीवो Y27 4G मोबाइल और दोस्तों आप उसमें चाहते हो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करना बिना अनाउंसमेंट के, यानी कि दोस्तों आप अगर अभी यहां से अपना जो कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर दोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल में जब कोई कॉल रिकॉर्ड होगी तो दोस्तों सामने वाले बंदे को सुनाई देगा कि आपकी कॉल, यानी कि या सामने वाला बंदा आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये अनाउंसमेंट उसको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि बिना अनाउंसमेंट के आपका कॉल रिकॉर्ड हो, किसी को पता भी ना चले कि आपने कॉल रिकॉर्ड की है, तो इसके लिए आपको करने क्या होगा, सबसे पहले आपके यहाँ से अपना सेटिंग ओपन करना होगा। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको जो है ये टिक डिसेबल, इसको इनेबल करना है। अब यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है, सेट नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर सिस्टम डिफॉल्ट फोन पे टिक है, तो इसको आपको फोन पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका जो गूगल डायलर है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ से बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ से आपको डायलर पे क्लिक करना है। डायलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कॉल सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, इस पे टिक कर देना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल पे ए टू जेड कोई भी कॉल आएगी, आपके मोबाइल में नंबर सेव हो या फिर अननोन नंबर से कॉल आए, तो आपकी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगी और सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ से आपका अनाउंसमेंट बंद हो जाएगा और आपकी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो Y27 4G मोबाइल में बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।